अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तीन से घर से बाहर है, एक बच्चा भी नहीं उनका घर पे। पुलिस को आया करा ये इसमें सारे चोटों को पुलिस सब जानते हुए भी अनजान बन रही है। कुल मिलाकर सब चोटों के निशान है। बच्चे का मतलब सामान्य आदमी को समझ में आ जाए उसको मार मार के मारा गया। सर हमने सबूत दे चुके हैं सारे, आपको जो लकड़ी का हत्था खून से सना हुआ दे चुके हैं, रस्सी दे चुके हैं, जब हम आपको सारी चीजें दे चुके हैं फिर भी अपराधी क्यों नहीं पकड़ा रहे? नाम तक दे चुके हैं उनके। 14-14 क्या पकड़े हम? 2 महीने पहले भी आवेदन दे, रिपोर्ट भी आ गई सर उसमें। वहाँ पे क्या वो यही साहब सुन नहीं रहा, नाम दर्ज आवेदन दिया है बाद में बोल दिया, अभी अभी आगे आपसे मिल जाएंगे। सर पीएम रिपोर्ट भी हमको नहीं बता रही पुलिस, सी एस पी साहब का पाबंद कर रहा हूँ कि जाके डायरी देख लेंगे और जो भी उसके साथ से है वो उसके हिसाब से अगर मॉडल बन रहा है। पीएम रिपोर्ट तो परिवार में किसी को परिवार के नहीं दे रहा है, सर परिवार के दो लोग थाने चले जाइए, रिपोर्ट भी दे देंगे आप लोग। आज जेल में डालने सबसे पहले ठीक है, जो जितने भी लोग सर न्याय करिए, सर न्याय करिए, न्याय करिए, एसपी साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, एसपी साहब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, एसपी साहब न्याय करो। यहाँ पर अभी एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे आप, क्या चर्चा भी हुई है एसपी साहब से, क्या कुछ पता है आपको? सर से हम न्याय की मांग कर रहे हैं, 3 तारीख के दिन मेरे भैया की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जिनके नाम हम आपको दे ही चुके हैं, 7-8 लोगों व्यक्ति द्वारा उनकी मृत्यु, उनको मार मार के मोड़ के घात उतार दिया गया है। क्या नाम था आपके भाई का? जितेंद्र राठौर। कहाँ पे हुआ था ये हादसा? ग्राम बेरागढ़ में हुआ था, खेत के ऊपर। क्या हुआ था? जहाँ पे वो खेत का काम कर रहे थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है, सिविल लाइन थाना क्षेत्र। उसमें आपने जब थाने गए तो क्या कहा डीआई सामने, वहाँ पे क्या किया है?
वो कर रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं ये वो जांच ही कर रहे हैं अभी तक तो नाम हम आपको दे चुके हैं जिन लोगों के, तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? वहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है आप, इसलिए आए? जी हाँ, अभी ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कोई कायमी हुई अभी तक? क्या हुआ है अभी? तो कुछ भी नहीं हुआ है सर, बस करते रहे करते रहे करते रहे, बस यही। आप बता रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली आपको? जी अभी तक नहीं मिली है, पोस्टमार्टम भी नहीं मिली। कितने आरोपी हैं इस प्रकरण में? इस प्रकरण में मुख्य आरोपी 5 लोग हैं जिनके हम नाम दे चुके हैं और नाम दिए 4 तारीख के ही दिन नाम दे चुके हैं, पर अभी तक एक भी व्यक्ति थाने में अंदर बैठा हुआ नहीं है, सारे फरार हैं। पुलिस अधीक्षक साहब ने अभी आपको, एसपी साहब ने आपको, आपसे अभी चर्चा भी की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? उनको करंट लगा के मारा गया है, उनको डंडे से मारा गया है, जो हम दे आश्वासन क्या दिया? लस्सी दे चुके हैं पुलिस बार बार, यही दो दिन बस हम कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं, पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, ये वो आगे कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। आप पृथक के बोल सकते हैं? मैं उसका छोटा भाई हूँ। क्या नाम है आपका? विकास राठौर। और ये मृतक का बच्चा है? 2 महीने पहले। अच्छा, ये इससे पहले भी आपने आवेदन दिया था क्या? 2 महीने पहले भी हम आवेदन दे चुके हैं, जिनसे झगड़ा हुआ था और वही लोग हैं। अभी मेयर कोर को लेकर, खेत की मेयर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके संबंध में 2-3 महीने पहले भी हमने आवेदन दे चुके हैं। आपने अभी आवेदन दिया, अभी एसपी साहब ने क्या बोला आपको? करेंगे, प्रोसेस करेंगे, बस वही जो थाने वाले बोलते हैं वो एसपी साहब बोल रहे हैं, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। विकास राठौर। क्या कुछ मामला? थाना सिविल लाइन में एक मर की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। उस अननेचुरल डेथ की मर की जांच थाना सिविल लाइन में की जा रही थी, उसमें भी पीएम रिपोर्ट भी प्राप्त हुआ है। उसमें जो अभी जांच की प्रगति है उसको लेके जो लोग आए थे उनकी कुछ आपत्ति थी कि जांच ठीक ढंग से नहीं हो रही। इसके साथ साथ कुछ व्यक्तियों से इनका पहले से विवाद था, उस बात को लेके उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा घटना की जा सकती है। अभी प्राथमिक रूप से जो स्पष्ट हुआ था उसमें करंट से मृत्यु होना बताया गया था, बाकी और तफ्तीश से इसकी जांच की जा रही है। जो देवास के CSP हैं उनको इस मामले की सुपरविजन के लिए पाबंद किया गया है, और जो भी तथ्य जाँच में आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना 3 से 4 सितंबर के दरमियान वो आज 10-11 तारीख के लगभग हो चुका है, तो गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए किसी को नहीं उठाया इस मामले में? जनाक्रोश है। मर्ग जांच पूर्ण होने के बाद ही इसमें प्रकरण में अपराध बनता है कि नहीं बनता है कंक्लूड होता है, क्योंकि ये मामला अभी अपराध की श्रेणी में नहीं है, मर्ग जांच में ही है, तो इसलिए अभी गिरफ्तारी का इसमें प्रश्न तक इस स्थिति में नहीं उठता। बाकी मर्ग जांच क्यों विलंब हुआ है, उसमें पीएम रिपोर्ट वगैरह भी लेट आने की बात चल रही है, उन सभी तथ्यों का निरीक्षण के लिए CSP को नियुक्त किया गया, और इसमें जल्द ही एक निर्णय पर पुलिस पहुंचेगी कि मामले में अपराध बना है अथवा नहीं बना। सर, फरियादी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की जा रही है, जो अभी तक उन्होंने मिली नहीं, शनिवार बीते शनिवार को रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट पर फरियादी पक्ष को उपलब्ध करा दिया जाएगा, उसको पूरा हक है, अगर परिवार का व्यक्ति का डेथ हुई है तो उसकी PM रिपोर्ट देगा। सर, उन्होंने नाम दिए हैं गाँव के, कितने नाम? कुछ लोगों से उनका पहले से विवाद चल रहा है, उन पर इनको शक सुबह बताया जा रहा है, लेकिन अभी घटना व्यक्ति मरा कैसे है, घटना अपराध की हुई है कि नहीं हुई है, ये अभी जाँच का विषय है। जाँच का विषय यह नहीं है कि किसने मारा है, तो अभी जाँच में अपराध अगर आता है फिर आगे की कार्रवाई इसमें बनेगी।